लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे मरना नहीं है, मैं नहीं मर सकता, नहीं मैं नहीं मरूंगा। क्यों आया मैं धरती पर जहां सिर्फ दरिंदों का राज है? यहां अफीम की खेती होती है और इस धंधे को चलाने वाले का नाम परमार है। वो ये काम इस इलाके के एक नेता के साथ मिलकर करता है और परमार का सिर्फ एक ही दुश्मन है, शिवराज गुर्जर। हैवानियत में शिवराज गुर्जर मानिक परमार से भी दो कदम आगे है। इस अफीम के धंधे पर राज करने के लिए इन दोनों में हमेशा खून खराबा होता है। दोनों अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और इस वजह से इलाका नर्क बन गया है और इसी नर्क में मेरी तकदीर मुझे ले आई। उस रात भी शिवराज और परमार के आदमियों के बीच मारकाट चल रही थी और इस मौत की बस्ती में मैंने अपनी जिंदगी को देखा।
और बताइए कैसे हैं आपके बॉस अजीत टाका? बहुत गुस्से में अजीत टाका, तुम्हारे अफीम का रेट बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे तो उन्हें समझाइए ना ये सब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, अब देखिए ना महंगाई क्या आसमान छू रही है। अब इस महंगाई में रेट नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा? अब देखिए ना साले, जो 5,000 मांगते थे 20,000 रुपए मांगते हैं। इसका मतलब तुम सीधा 300% रेट बढ़ा दोगे क्या? अरे शांति रखिए ना सावंत साहब, अभी आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अभी देखिए ना मकान, 2 साल से रंग नहीं कराए हम, हमारे दादाजी ने बड़े शौक से बनाया था, जब बनाना शुरू किया तो ऐसे दिखते थे हमारे दादाजी, और बनाते बनाते ऐसी हालत हो गई। क्यों? आजकल हर रोज नई गाड़ी आ रही है मार्केट में, पिछले 4 साल से वही गाड़ी चला रहे हो, क्यों? हमारा भी मन करता है सावन साहब कि नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐस करेंगे और क्या। और अगर अजीत टाका ने माल लेने से मना कर दिया तो क्या करोगे तुम? अरे भैया जी खुद माल बेचेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इनका राजयोग शुरू हो गया है, सूर्य और शनि दोनों का मिलाप है भाई। देखो तुम बहुत ज्यादा उड़ने की कोशिश कर रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में माल बेचना तो दूर, तुम वहां कदम भी नहीं रख पाओगे। तुम्हें क्या लगता है टाका तुम्हें टिकने देगा? टाका तुम्हें जिंदा भी नहीं रहने देगा, समझे? वॉच इट। क्या बोला शिवराज? इंटरनेशनल मार्केट की थूक में हमारे पांव थोड़े जल भी सकते हैं, लेकिन अगर टाका ने धरतीपुर में पांव भी रखने की कोशिश की तो जला दूंगा जिंदा। मेरे मुंह मत लगना, मैं सेहत के लिए बहुत हानिकारक हूं। परमार क्या बोला? शिवराज को देखकर उसकी भी चाल टेढ़ी हो गई है टाका सर। कितने कमजर्व हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, बस जरा सी बुलंदियां पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। उन दोनों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है सर, लेकिन कंफ्यूज करना आसान है। वो कैसे? सब बता दूं? सॉरी सर, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अरे उठ, शिवराज जी का ट्रक है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ट्रक पर बैठे सब लोगों को खत्म कर दो और शिवराज का माल लूट लो। जी साहब जी। अंतर परमार का आदमी, एक काम कर उड़ा दे साले। ट्रक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम तो माल लूटने आए ना। खुद जाके देखेंगे। अरे ट्रक को क्या हो गया? पूरा माल गायब है। साहब जी, हमसे पहले माल कोई और उड़ा ले गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बक रहा है तू? हमको भी ऐसे ही झटका लगा था साहब जी। अरे है कौन वो? तो हमारे होते हुए शिवराज का माल लूटने की हिम्मत की उसने?
पता नहीं साहब जी। अरे पता करो, ढूंढो उसे, नहीं तो तुम सबकी टांगें तोड़ दूंगा। पकड़ कर लाओ उसे। नसीब घुंघरू बांधकर आपकी कुंडली में नृत्य कर रहा। माल तो क्या, आपका कोई टूटा हुआ बाल भी चोरी नहीं कर सकता। बेओजी, ये इसने लूटा हमारा माल। आए, इतनी सी साइज और इतनी बड़ी छलांग। छोटे साइज की चीज ही बड़े बड़े काम करती है। आए, ए, क्या बोला, क्या बोला तू? मैं तो इस मच्छर की बात कर रहा था। साले तू हमारा माल लूट के हमें से चंद्रा रहा है साला। मैंने माल लूटा नहीं है, परमार के हाथों लूटने से बचाया है। है? आपका माल एकदम सेफ है, आप ही के घर के पीछे पड़ा है। हाँ? बोल क्या चाहिए तुझको? आइडिया तो ये है कि आप मेरे को अपने साथ काम पे रख लो। अच्छा लगा तेरा आइडिया। साले तेरे नाम क्या तेरा? हा? राजकुमार, रोमियो राजकुमार। ए मजनू, देख इस रोमियो में कितना दम है। ए ले बियोजी, थक फुल नोटंकी है साला, रख ले इसे। चल भैया से साले, तू अपने काम के लिए हमारी वाट लगा रहा है ना, तू अब देख मैं क्या हाल करता हूं तेरा। ए सांड, साले तू चड्डी नहीं पहनता है क्या? सांड कभी चड्डी पहनता है क्या? चबा दे। साहब जी, पता चला है शिवराज एक शराब के अड्डे के उद्घाटन में आने वाला है। बम से उड़ा दो साले को, चूहे की तरह मचा दो। इसे नहीं, उसे। जी साहब जी। साहब जी, बम से उड़ा दे या चूहे की तरह मसल दे। बकवासी करेगा। चल, चल। तुझसे मोहब्बत हो गई, अल्लाह माफ करे। क्या लड़की है यार, जब से उसको देखा है सब कुछ खूबसूरत लगता है। तू भी खूबसूरत लगता है। हो गया। जैसे ही उसकी गाड़ी इस तार को छुएगी दोनों तरफ से बम फटेगा। बात बोलो। हाँ बोल। पिछली बार भी वो बच गया था। हाँ, इस बार अपनी गाड़ी ब्लास्ट करके देखें। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है भैया जी। आज आपको चिड़िया भी चोंच नहीं मार सकती, आज सूर्य देवता का प्रकोप है आप पर। भैया जी पीछे। कल का लौंडा हमारा ही कांड करने चला है। तेरी अबे किधर जा रहे हरामी साहब?
तुझे कैसे पता चला कि वहां बम है? मुझे एक चिड़िया ने बताया, वो वाली चिड़िया। जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो मैंने सड़क के बीच में जमीन से 4 इंच ऊपर उसी चिड़िया को हवा में बैठे देखा, तो मेरा माथा ठनका। सही समय पे ठनका, आज से तू हमारा खास आदमी है। मैंने कहा था ना भैया जी, आज आपको चिड़िया भी चोंच नहीं मार सकती। देखिए चिड़िया ने आपको बचा लिया, जहां बम फटा था वहां सूरज देवता कैसे बरस रहे। 14 साल से मैं काम कर रहा हूँ, अब तो बनेगा भैया जी का खास आदमी। 14 साल, इसलिए तो हमेशा खड़ा रहता है, बैठता नहीं है। भैया जी ने सही बोला है, बहुत बड़ा नौटंकी है तू साला। क्या मैं मार क्यों रहा? वे? अबे है क्या? वे? साले तेरी। खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे। बीड़ी पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे। खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे। राजा बेटा बन के मैंने जब शराफत दिखाई, तूने बोला आठवा वाली भाव नहीं दिया रे। बिछड़ पड़ ली बहुत, ठंडिया है भर ली बहुत, अच्छी बात कर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ। गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी गंदी गंदी
भियो जी, कल सुबह की ट्रेन से एमएलए आनंदराज परमार से मिलने आ रहे हैं। आनंदराज और लाखा की वजह से परमार आपके सामने खड़ा है। अगर हम उसकी दोनों बैसाखियां तोड़ दे तो अपने आप गिर जाएगा साला लफा। तोड़ दे। जी भियो जी। अगर ये एमएलए इधर से निकला तो मैं डाल दूंगा, उधर से निकला तो तू दे देना। और क्या चाल है को नहीं मारता था ना, ये तेरे को मार देता। मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूँ। क्या क्या? मेरी लॉलीपॉप पे। लॉलीपॉप? हाँ हाँ, वो ये इल्लू की वजह से मेरी लॉलीपॉप चली गई। ए, तेरी मार की सिर को देख लूंगा मैं। अरे एमएलए साहब तो लुढ़क गए रे। हेलो साहब जी, फोन है साहब जी, शिवराज जी का फोन है। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। एमएलए आनंदराज को उड़ा दिया है। ओके भियो जी, संभाल लेना। लाखा कहाँ मिलेगा? पहाड़ी वाले खेत के पास। पेल दे। ए चलना भियो जी, ऐसा बॉडी बनाने में कितना टाइम लेगा? बोलिया, आज लड़कियां नहीं आई अभी तक। लो आ गई लखो जी। खड़ी क्यों? जाओ अंदर, अच्छी तरह से मालिश करना। ए, ये नरम नरम क्या कर रही है? कड़क कड़क करना। आजा। मर गया रे। अरे इतना कड़क नहीं, थोड़ा नरम। एक बात बोलूं, लाखा जी का बचपन अभी तक नहीं गया, लड़के के सामने एकदम बच्चे हो जाते हैं। पहलवान के जनियो, पीछे बस, अब आगे। दे, दे ना। We'll be right back.
साले हमें बम से उड़ाएगा तुझे तो यही से मार दूंगा। ए, 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 पागल हे 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 पागल तेरी माँ की आँख अंधा है तू हे हे मेरी माँ की आँख अंधा हूँ मैं डिक्की पे चप्पल से मारूंगी डिक्की पे चप्पल से मार आना हे हे तेरी ऐसी की तैसी कमीने जाता है कि धोएं के चक्कर में हड्डियां बोल गई क्या हुआ मेरी लॉलीपॉप को देखा क्या गाड़ी चलाती है ना आपकी तो ऐसी की छसी अब जरा साले दिखाता हूँ तेरी लॉलीपॉप बचा तेरी लॉलीपॉप के चक्कर में मैं निकल जाता हूँ बस हो गया मुझे फ्रेंड्स अरे उसको तो खत्म कर दिया आज तुझे भी नहीं छोड़ूंगा लॉलीपॉप ए कुत्ते इडियट हाँ तेरी तो एक चांटा मार के ना तेरा मुंह सुझा दूंगी मैं लुच्चा गंदा चोर है तू लुच्चा है तू हद से बड़ा लुच्चा है तू चोर हूँ मैं लुच्चा हूँ मैं हद से बड़ा लुच्चा हूँ मैं कभी देखा है तूने शीशे में खुद को अकल से खच्चर शक्ल से बंदर हरकतें हैं गुंडों वाली बातों से तू है मवाली हरकतें हैं गुंडों वाली बातों से मैं हूँ मवाली लफंगा पुकारे या गुंडा मवाली मुझे तेरी गाली भी लगती है ताली Shut up! Okay, you shut up! लफंगा पुकारे या गुंडा मवाली मुझे तेरी गाली भी लगती है ताली ओ मारी 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 गई मेरी मत मारी अरे मर जाके कहीं हाय ओ मारी 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 गई लगी लगी सही जगह पे लिए जा भले दुनिया भर के उधार तू खुद जानती है कि तेरे ही कारण ओ मारी 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 गई मेरी मत मारी ओ मारी 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 गई मेरी मत मारी तू पास नहीं आएगा ना गिनती सिखाता है किसे हद पार करने की कोशिश अगर की तो चप्पल से मारूंगी तुझे ये आदत कमीनी बिछड़ती नहीं है ओ मेरी जानू ये आदत कमीनी बिछड़ती नहीं है शराफत मेरे पल्ले पड़ती नहीं है ओ मारी 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 गई मेरी मत मारी ओ मारी 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 गई मेरी मत मारी वैसे हाँ
थी तुझे तो आधी मिली थी वो आधी भी सड़ गई थोड़ी बॉडी बची थी वो भी इसक की बीमारी में पड़ गई ना सोने की चिंता ना खाने की सुध है देवी न सोने की चिंता न खाने की सुध है न दिन का पता है के मंगल है बुध है के मारी 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 गई मेरी अरे ये मारी 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 क्या लगा रखा है बड़ा ठीठ है रे तू नहीं मानेगा ओ छमिया कोई बताएगा मैं इसका क्या करूं मारी 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 गई मेरी मत मारी कमीने कैसे आवाज करते हैं ओ मारी खामोश मत मारी कुछ करना तो दूर लाखा की बॉडी ढूंढने में तुम लोगों ने 3 दिन लगा दिए और तू शिवराज की चूड़ियां पहनकर यहां पर चुपचाप खड़ा है वो लोग भी पावरफुल है परमार साहब बाप की तरह और आप तो जानते हैं कि मैं ना आपके साइड पर हूं ना शिवराज के साइड पर हूं मैं तो कुत्ता हूं मैं सिर्फ हड्डी के साइड पर हूं एक आइडिया है मेरे पास आप शिवराज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो वो मेरे आदमी को मार मार के मजे करता रहे और मैं चौथे मना मना कर अकेला हो जाऊं अगर वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है तो खत्म कर दो उसको और अगर कॉम्प्रोमाइज भी कर ले तब भी खत्म कर देना उसको मीटिंग करा ए परमार किस लिए बुलाए हमको कॉम्प्रोमाइज के लिए तूने मेरे दो खास आदमियों को मारा है हाँ, क्योंकि तुमने हमको मारने की कोशिश की अभी भी वक्त है मेरे साथ मिलके काम कर वरना मेरी लिस्ट में अगला नंबर 13 है hey! तुझे क्या लगता है मैंने तुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बुलाया है तू यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता है समझा अबे क्या रे पुलिसिये तूने बोला था इसके 60 आदमी आने वाले हैं इसके लिए तो मेरा एक ही आदमी बहुत है चौकी मत परमार सेठ आपने मुझे पैसे दिए भियोजी ने मुझे आपसे ज्यादा पैसे दिए और मैं तो कुत्ता हड्डी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं ये तो आप भी जानते हैं यही आइडिया मैंने भी जगह बेचा साले हराम ए तू नहीं तू जा बेशर्म तेरी तूने ए इस बच्चे को लेकर आया हमें मारने के लिए ए आजा 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 तुझे अपने गोद में बिठाकर घुमाता हूँ घुमा परमार 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 साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा ए तुम्हारी माँ का क्या कर रहे हो तुम मारो साले को
भैयो जी क्या समय है। मुन्ना आधे घंटे में हॉस्पिटल में मिलेगा। तू मुन्ना अरे छाता छोड़ क्या लग रहा हो मार चाले को। में बैठ गया अब चल उधर। अच्छा हुआ गोद में बिठा के दूध पिलाने को बोला होता तो क्या होता। आंख खोल के सुन मिल जा या मर जा। एक बात और मेरे मुंह मत लगना मैं सेहत के लिए बहुत हानिकारक हूं। ओ एल्डू गोद में बिठा के सोचेगा क्या चल नीचे उतर। इट्स अ डील इट्स ड्यू थैंक यू। ओ कोई मसाला उसका ये सर ये रशियन माफिया है सर इन्हें अफीम टाइम पर नहीं मिला तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और ये शिवराज और परमार का लफड़ा तो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है वहां से माल मिलना बहुत मुश्किल है सर। ऐसी रुकावटें तो आती ही रहती है तो क्या हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे। नो सर पेशेंस माय फ्रेंड पेशेंस। कम ऑन लेट्स एंजॉय। अच्छा तेरे हिसाब से कौन सा बड़ा छे चमड़ी। मैं पूछ रहा हूँ प्यार और दोस्ती के बीच में क्या बड़ा होता है। दोस्ती क्यों अबे प्यार तो नशे की तरह है बार बार नशे में रहने के लिए कोकेन की जरूरत पड़ती है लेकिन दोस्ती अगर एक बार हो जाए हमेशा साथ देती है। लेकिन मैं प्यार का कोकेन कैसे चखूं मुझे तो मेरी लॉलीपॉप का पता भी नहीं पता है। मेरी लॉलीपॉप क्या हुआ तेरे प्यार में वापस पिटने का टाइम आ गया और क्या ऐसे थोड़ी होता है ऐसा ही हो रहा है। भागो भाग मिलकर भाग हमारी सभा को भंग कर रहे हैं चलो आप लोग। लेकिन बाहर निकलने में फटके हाथ में आने वाली है आज तो कोई है पैसा बचाने तो आ गया लेकिन मुझे कौन बचाएगा। मैंने तो अब तक ठीक से दुनिया भी नहीं देखी है
कोई है? कोई है? अरे कोई है क्या? मैं इस मुर्दा को बचाने के लिए मैं मरने के लिए आया। पानी, 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 आइस वाटर। इधर सब जगह आग लगी हुई और तुझे आइस वाटर चाहिए? पानी लाता हूँ जल्दी। आखिरी पैग। हाउस इज बर्निंग। चल पीना हो जल्दी कर। ये स्लो मोशन पीनो। अब चल। मुझे मत ले जा बाहर। 50 साल से मेरी बीवी ने जिंदगी को नरक बना रखा है। मुझे मत ले जा उसके पास। छोड़ दे बेटा, छोड़ दे। मरना है तो बाहर जाके मर, समझा? अरे रहने दे बेटा, मेरी बीवी मुझे खा जाएगी। बचा। अरे देखो, ले जा मुझे उस चुड़ैल के पास। इतने सारे लोग हैं यहाँ और बहादुरी सिर्फ तुमने दिखाई। तुम ही असली हीरो हो। क्या मैं तुमसे हाथ मिला सकती हूँ? अच्छा हीरो, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ बता दिया? तूने देखा मेरी लॉलीपॉप ने मुझसे हाथ मिलाया? अबे साले तू है कौन? ए, मैं राजकुमार। वो देख बीमार। वाह, इतने सारे लोग हैं यहाँ पर बहादुरी सिर्फ तुमने दिखाई। तुम ही असली हीरो हो। क्या मैं तुमसे हाथ मिला सकती हूँ? इसका मतलब चंदा ने मुझे पहचाने बिना ही थैंक यू बोला। मतलब इस बुद्धे को बचाने का कोई फायदा नहीं हुआ क्या? चलिए अब दिखाती हूँ तुमको। क्या लड़का है, मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं। मुझे उसका नाम और नंबर लेना चाहिए था। ए, चुप कर। ये सब उसने सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए किया था। अगर सिर्फ इम्प्रेस करने के लिए अपनी जान का रिस्क ले सकता है तो प्यार करेगा तो क्या करेगा? ए, आगे देख। ए, तेरी हट गई है क्या? ढाबे में मेरे हाथ का थप्पड़ खाया, फिर गाड़ी में मेरा पीछा किया, फिर आग में जाके कूदा और अब आ गया मेरे गाड़ी के सामने जान देने। तो तूने सब नोटिस किया? जानता है मैं कौन हूँ? तू लड़की, मैं लड़का, और क्या चाहिए? ए, अपने आप को देखा है क्या कभी? तेरी तो फाइट भी नहीं मिलती मुझसे। हाँ, तो तू सिर्फ अमिताभ बच्चन से प्यार करेगी। तेरा वजन देखा है? मैंने कुछ बोला? मैं भी तो एडजस्ट कर रहा हूँ ना। तू है क्या? हाँ, बड़े बड़े घर के लड़कों के रिश्ते वेटिंग लिस्ट पर है, सब मुझसे शादी करना चाहते हैं। ए, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। समझ में नहीं आ रही है तेरे को? बड़े बड़े घर के लड़के। ए, कोई लड़का तेरे 1 किलोमीटर के दायरे में भी आया ना, हाथ पांव तोड़ के उसके हाथ में रखूंगा। शादी तो मुझसे ही करेगी, याद रखना।
आई टू एट कलर से प्यार नहीं होता है, प्यार दिल से होता है, इधर से। बहुत बड़ी गलती हो गई भीयू जी, एक पैकेट अभी भी तो चुराया था, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। भीयू जी सब इंतजार कर रहे हैं, खाना लग गया। लग गया आज के बाद ऐसे। साँ क्या उधर जाके रहो, एक तो भूख के मारे दिमाग खराब हो ऊपर से। मैं तुझे क्या लगता है क्या करना चाहिए? निवाले में चिकन के पीस के साथ कैरी का अचार मिक्स करके इसे मुंह में डालेंगे ना तो मस्त हो जाएगा एकदम। ए मैं परमार की बात कर रहा हूँ। ओ दो दिन हो गया उसका कोई जवाब नहीं आया। हाँ। या जाके उसकी बत्ती बुझा। जी ए, चलना तो क्या चिकन कैरी पेरी क्या पकता रहता तू सारे। ए चिकन में कैरी के अचार डाल। भियो जी कल से चंद्रमा आपकी कुंडली के निचले स्थान पर वक्री हो रहा है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, बस इसके लिए एक बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, कल सुबह का मुहूर्त इसके लिए अच्छा है, आप कहें तो पूजा की तैयारी शुरू करूं क्या? अच्छा है भियो जी, सिर्फ 3 डुबकी लगानी है पूरी जिंदगी घूम जाएगी। तू ऐसे क्या देख रहा है भाई, मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। राजकुमार चल। हम भी चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हैं, अरे ऐसी धमकियां हम हजार बार सुन चुके हैं, 50 गांव के लोग साथ हैं। अरे शिवराज चीज क्या है, इस धंधे में हम उसके बाप लगते हैं बाप। बिल्लाटी माफी साहब जी। चाचा जी आपने बुलाया? बेटा तुमने खाना खाया? नहीं ना कर खा लूंगी। खा लेना टाइम से। इसे कैसे मार सकते हैं? परमार को मारने के लिए ये समय उचित नहीं है, समझे? वापस आ जाओ,
कल भीयो जी तुमसे बात करेंगे। भीयो जी ने परमार को मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। देखा, ये है मेरे प्यार का पावर। ऊपर से बिना कपड़ों के देखा, अब तूने भी देख लिया, अब हम दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। चुपचाप यहां से चले जाओ वरना। गुस्से से बोलेगी नहीं जाऊंगा, प्यार से बोलेगी मर भी जाऊंगा। ए, तीन तक गिनूंगी मैं, तुम नहीं गए तो चिल्लाऊंगी। तीन। मुझे पता था तू नहीं चिल्लाएगी। से मिलने आएगी शिव मंदिर पे सुबह 8 बजे। अगर 5 मिनट भी लेट हुई तो मैं चला जाऊंगा, आगे तेरी मर्जी। शिवा, कितना टाइम हो गया, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ मंदिर में। एक घंटे 5 मिनट से तू मेरा वेट कर रही थी ना? मैं तेरा वेट नहीं कर रही थी। अच्छा, जो कल तूने गलती की ना उसी की क्षमा मांगने आई हूँ। इधर से। हाँ इधर से। ठीक है, तू क्षमा मांग, मैं थैंक यू बोलता हूँ इधर से। हे भगवान, मैं तेरा थैंक यू बोलता हूँ कि कल तूने एक लड़की को तूने देख लिया ना, अब पब्लिसिटी क्यों कर रहा है? वो ट्रेलर सिर्फ तेरे लिए था।
साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे टच करके टच करके टच करके कहाँ चल दी बच करके टच करके टच करके टच करके दिल से दिल अटैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे साड़ी के पाल सा कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे कभी मैच किया रे कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया रे क्या कर रहा है? ये सारा गांव मंदिर के बाहर क्या कर रहा है? ए चलना शांति स्थान में आ गया है। क्या समय है।
हम दोनों को एक साथ देखकर आप सबको बहुत हैरत हो रही होगी। कल हम मिले और हमने सोचा एक दूसरे को मार काट के खत्म होने से अच्छा है हम इस दुश्मनी को खत्म करके रिश्तेदार बन जाएं। इस सौदे में हम दोनों का ही फायदा है। अब इस गांव पर एक नहीं दो दो शेरों का राज होगा और उसके बाद खुशियां ही खुशियां। पहले तवा था, अब आग भी आ गई। आज मैं अपनी भतीजी चंदा की सगाई भीओजी के साथ करने जा रहा हूँ। जी विवाह का मुहूर्त कब का निकला है? साहब जी शुभ मुहूर्त दशहरे के दिन का है। बढ़िया, अगले महीने दशहरे के दिन चंदा और भीओजी का विवाह होगा। हमारी दुल्हन कहां पर है? वह कमरे में बंद है, दो खींच के लगाए फिर भी मानने को तैयार नहीं। ये काम तुम हम पर छोड़ दो, हम जाते हैं अभी मना कर लाते हैं। सुंदर अति सुंदर, अगर ये धंधे की बात होती तो हथियार से काम लेता, मगर ये प्यार मोहब्बत की बात है इसलिए दिल से काम ले रहा हूं। बराबर से देख ले हमको, मुझ जैसा दबंग जवान तुझे पूरे गांव में नहीं मिलेगा। बहुत नसीबदार है तुम, हमने तुझको पसंद किया। राजा हम राजा फरमाइए। अजी रूट कर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। ऐसे लड़की का दिला। सुना नहीं तूने? इधर ला इसे। ए बहरा हो गया क्या तू? लड़की का दिला। यो जी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। शनि महाराज कहां से आ गए? चंदा सिर्फ मेरी है। मैं चंदा से प्यार करता हूं। क्या बोला मदर वाट? तो पैसे का नौकर, तूने ऐसा सोचने की हिम्मत भी कैसे की? चंदा भी मेरे से प्यार करती है। ए हरामखोर, तू जानता है तू कहां खड़ा और किससे बात कर रहा है? तेरे जी की कुर्ती मारू साले, तुझे नामर्द बना के तेरे सामने सुहागरात बनाऊंगा इसके साथ। शिवराज साइलेंट हो जा वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा।
मेरे लाइफ में सिर्फ दो चीज है, प्यार 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 या मार मार मार। अगर मैं चाहूं तो अभी चंदा को यहां से लेकर जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मर्द हूं। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो सोच मैं अपने प्यार के लिए क्या क्या करूंगा। दशहरे का मुहूर्त निकला है ना, तो तैयारियां कर। जगह भी तेरी, मंडप भी तेरा, लेकिन चंदा से तू नहीं, मैं शादी करूंगा। रोक सके तो रोक लेना। राजकुमार के बारे में सब कुछ पता कर लिया है मैंने। भागलपुर से आया है वो, वहां पर गुंडागर्दी के 4 केसेस है उसके ऊपर। अरे तेरी बात पक्की है ना? कहीं बाद में ऐसा ना हो कि वो खुफिया पुलिस वाला निकले। साले मादरवाट ने पीओजी को चैलेंज किया। तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा, मैं या वो? अबे बोल ले, कौन जीतेगा? पीओजी, आपको क्या हो गया? आप राजा हैं और वो रंग शुक्र आपकी कुंडली में पहले स्थान में विराजमान है। जिस दुश्मन पर आप उंगली उठाओगे वो वही भस्म हो जाएगा। वो कल का लौंडा क्या चीज है? अरे हाँ भेओजी, जीत आप ही की होगी। तो पहले क्यों नहीं बोला? क्योंकि तेरे मन में शंका थी। यही शंका पूरे गांव के मन में होगी, और यही शंका मेरे चंदा के मन में भी। अगर मैं उस दिन उसे पूरे गांव के सामने मार देता तो चंदा के मन में उसके लिए सहानुभूति हो जाती। लेकिन मैं भी मर्द हूं, दशहरे के दिन ही शादी करूंगा और साले झिंगुर का वो हाल करूंगा कि चंदा खुद ब खुद अपना हाथ मेरे हाथ में दे देगी। जा रही है फुल्लो रानी? तुम कौन हो? ये बिंदु है, आज से हमेशा ये तेरे साथ रहेगी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम हमारी होने वाली पत्नी हो, और अगर वो झिंगुर यहाँ आया तो कसम हमारे सच्चे प्यार की कुत्ते की मौत मारूंगा। क्या ना है कि तुम हमारे बगीचे का सबसे खूबसूरत फूल हो, और हम तुम्हारी खुशबू का मजा प्यार से लेना चाहते हैं, फसल के लिए जेंटलमैन। आई भी से में, कल भी से में, रब ने बना दी जोड़ी। मेरी बगिया के आगे भी किसी ने बाड़ लगाई होती तो मजा ले कोई मुंह मार जाता। ये बुड्ढा भी बड़ा शरारती लगता है। ए, तेरे डिंगडोंग मेरे सामने नहीं चलेगा। Oh, my God.
लगता है मेरी याद में बिजी है। याद करने का मौका ही कहाँ मिला। बगीचे के मालिक ने फूल के चारों तरफ कांटे बिछा कर रख दिए। बिल्ली में शनि की दशा। चंदा और राजकुमार आपस में फोन पर बतिया रहे थे। मुझे इम्प्रेस करने वाले को एक अच्छा डांसर होना चाहिए। उसे इंग्लिश में बात करने आती हो, इंग्लिश में पोएट्री पढ़ने आती हो, वो मॉडर्न कपड़े पहने, स्टाइल होना चाहिए उसमें। अगर किसी ने ये सब कर दिखाया ना, समझ लो मैं उसकी हो गई। चंदा, अब तो बीओजी डालेंगे तेरे दिल पे फंदा। ओ, ओ! ये रहे मास्टर, ये आपको ऐसी अंग्रेजी सिखाएंगे कि चंदा आप चांदनी बन जाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए, शुरू करें। ए किसको बोला? वो वाला ए नहीं बियो जी, ए फॉर एप्पल वाला ए। अरे रे रे रे, मास्टर जी, ये सब तो इनको आता है, चार जमात पढ़े हैं। इतनी अंग्रेजी तो हम भी जानते हैं, थोड़ा बोलने में हाथ तंग है। बास्टर्ड। क्या बोला? बास्टर्ड मतलब बड़ा स्टर्ड, वो मर्द जो गांव की एक भी लड़की को ना छोड़े। तब तो हमारे भियो जी बहुत बड़े बास्टर्ड हैं। अरे मास्टर जी, तुम सबसे पहले इनको अंग्रेजी में शेर शायरी सिखाओ। इनको तो एक साल लगेगा ना। एक महीना, एक दिन, एक घंटा। बुलशिट। मतलब? बुलशिट शायरी का शीर्षक है। बुलशिट। तो अपनी बुलशिट शायरी इनको सुनाओ ना। लड़का लड़की से कहता है, ओहो! लड़का लड़की से कहता है कि आई एम योर बुल एंड यू आर द शिट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इफ वी कम टुगेदर वी बिकम बुलशिट। शायरी थोड़ी बदबूदार है लेकिन अच्छी है। आप बोलिए ना। हाँ बोलिए भैया जी। यू आर माई बुल। बुल नहीं, बुल। आई एम योर बुल, यू आर माई सीट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वी टुगेदर बुल सीट। आई एम योर बुल, यू आर माई सीट। तोड़फोड़ उछल कूद डांस है, कीजिए भियो जी कीजिए। ये सब नहीं चलेगा। प्रभु देवा है ना, जितना वो डांस करता उतना सिखा दे, काम चलाएंगे। ऐसा डांस तो भियो जी 10 जन्म में भी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ डांस बाबू तुम क्या सोच रहे हो, मैं भी वही सोच रहा हूँ, लेकिन अगर जिंदगी में आगे डांस करना चाहते हो तो भियो जी को डांस सिखा दो। शुरू। अरे ये सॉन्ग है, इस डांस के लिए तो साथ में एक लड़की चाहिए। मुझे बुलाया भियो जी। आ गई छिछोरी। शैतान हो भैया जी,
मुझ पर जान बुझ कर गिर गए ना। इस घर की औरत से जल्दी दूर हटिए भियो जी, ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अरे वाह, तुझे कैसे पता चला मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ? मैं तुझसे नाराज हूँ। नाराज तो महाराज होते, तुझे क्या हुआ? तूने मुझे विश करने के लिए एक फोन भी नहीं किया। विश? तेरा बर्थडे आज? बर्थडे तो बड़े लोग मनाते हैं। तो फिर जन्मदिन? नहीं, और सोच मेरी लॉलीपॉप। क्यों इतना सता रहा है मुझे, जल्दी बता ना क्या मामला है। मामला बहुत गंभीर है लॉलीपॉप। शिवराज। हाँ? ये जो तुम्हारे एक आदमी है ना जो गंजा है, जिसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, वो मुझे बहुत गंदी नजर से देख रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट पूछती हूँ। ए, तुम्हारा नाम क्या है? बोलना, नाम क्या है तेरा? नहीं बता, तुम ही बात करो। हाँ अब बोल। आज हमारी 10वीं गोल्डन जुबली है। गोल्डन जुबली मतलब? जब मैंने तुझे पहली बार देखा था तब से अब तक 500 घंटे 50 मिनट और 50वें सेकंड पे तुझे फोन कर रहा हूँ। अच्छा, पर तू ये सब मुझे क्यों बता रहा है? मैं तो तुझसे पहले से इम्प्रेस्ड हूँ। कभी तो तारीफ कर दिया कर मेरी लॉलीपॉप। अच्छा सुन, जैसा तूने कहा था ना, प्लान बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। वो इडियट जोकर की तरह इंग्लिश और डांस सीख रहा है। अकल और बॉडी दोनों भैंसे जैसी, दशहरे तक तो हम दोनों से बिल्कुल पागल कर देंगे। प्लान सक्सेस का एक किस तो बनता है ना। हाँ किस? जब मिलेंगे ना तब जितनी चाहे ले लेना। मुझे तो अभी चाहिए। तू नहीं मानेगा ना। पावरफुल है। प्यार प्यार प्यार। ए चंदा, तेरी आवाज को क्या हो? ए सुअर। क्या भी हो जी, अपना टाइटल मुझे क्यों दे रही हो? इंग्लिश और डांस तो सीख ही लिया, अब खाना बनाना भी सीख लो। अपनी शादी पर मैं आपके हाथ का बना खाना खाना चाहूंगा। और याद रखना, मुझे चिकन पराठा बहुत पसंद। इतनी अच्छी कुंडली के मालिक एक सारे नक्षत्र ढीले कर दिए। जितना उसका जांग है उतना मेरे हाथ का साइज है, लेकिन दिमाग तो मेरा ज्यादा है। बिंदु जी, भैया जी। अरे तेरी गलत खबर ने सब गुड़ गोबर कर दिया। तू टेंशन मत ले, तेरे लिए मैं जेंटलमैन। आई लव यू। अच्छा खेलेंगे, प्यार प्यार मार मार, खूब मजा आएगा। प्यार प्यार प्यार, प्यार या मार मार मार। शेर की उंगली करके उसी के पे दौड़ पे रहे और तबर इसका। अरे आज पास के गांव से सबसे खतरनाक तरी बन रहे हो, मारो। यारे तू ये ना रोमियो राजकुमार? हाँ। यही सोच रहे थे ना तुम लोग? मैं क्या सोच रहा था मालूम है? ये देख। मार रहे हैं, मेरे तो हाथ भी नहीं उठाया।
डर मत, पी ले। मैं सोच रहा हूं ये मार धाड़ खून खराबा सब बेकार है। चंदा के लिए मैं क्या कर सकता हूं? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर उसने शिवराज से शादी कर ली तो राज करेगी, और चंदा की खुशी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तू तो मजनू है, मजनू का बाप है। अरे क्या कर रहे हो चतुर सिंह जी, अपने से छोटों के पांव नहीं पड़ते, गले लगते। आओ। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। मत खाना तो मत खा। क्या है? राजकुमार ने दिया है। ये कह के जब मैं ये ताजमहल आपको दूंगा तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे और मैं आंसू देख नहीं सकता। उसने कहा आप उसको भूल जाओ और सूरज से शादी कर लो। उसने ये आखिरी तोहफा दिया है। आइए आइए, देखिए देखिए ये देखिए। साहब जी अरे साहब जी मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी गलती तो बताओ। ये देखो। इस गधे की बात का यकीन मत करना गधा। दशहरे के दिन हमारी शादी पक्की। देखो मारो मारो गधों को मारो। आप देखे रे मार इसका मार लग रहा है। मर साले को, चलो मर साला। आजा तू भी आजा, मारो तबला मारो तू मेरा। आ जाओ। इस रूट की सभी सुविधाएं आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। तो आके एक छोटा सा रिचार्ज देना मेरी लॉलीपॉप। हट बदमाश। क्यों? ये दिल जरा सा है
है निठल्ला इरादे है बेईमान से दिल ये धोखा धड़ी कर देगा सोचा न था इतनी ये गड़बड़ी कर देगा सोचा न था ऐसे मुश्किल खड़ी कर देगा सोचा न था कहीं छंदी तेरी आवाज है ज्यादा ना है ये कहे चुप भी ना है ये रहे आंखों का ये अंदाज है सर सर हमें बहुत खुशी है कि आपने अपनी शादी की खरीदारी के लिए हमारी दुकान को चुना कितना सोना तनु रब ने बनाया जी करे देखता हूं सॉरी सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं अपनी दुकान की सबसे बढ़िया और सबसे कीमती साड़ी दिखा हां हां आइए आइए सर आइए ये देखिए अच्छी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में काले बादल की तरह क्यों मंडरा रहे हो चलिए ना बिंदु उधर तुम्हें कुछ साड़ियां दिखा दे तो साड़ियां ही साड़ियां भाई सुनिए मुझे भी एक साड़ी दिलाओ ना क्या दस दिला दूं अरे तुमको साड़ी पहनने की आवश्यकता है क्या मैं खुद पसंद करूंगा कैसी है पिघली पिघली कुछ तो पिघली अच्छी है मैं ट्राई कर लूं वो वाली दिखा रे वो वाली हाँ जी हाँ जी क्या हुआ चेंज करना तो घूम जा अरे घूमने को क्यों बोल रही है प्यार करने वालों के बीच में सब चलते रहता है मेरी लॉलीपॉप मुझे पता तेरे सामने चेंज करूंगी तो क्या करेगा चल घूम अरे कंट्रोल
मर्द की तरह मेरे राजकुमार से जीत, फिर आना मेरे पास, तुझसे शादी भी करूंगी और अपनी साड़ी भी खुद उतारूंगी। के सर पे हाथ फेरो तो चुपचाप खूंटे से बंध जाती है, लेकिन कुछ को खूंटे से बांधने के लिए चमड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते क्या आप इसी तरह मुझे पीटते? तेरे माँ बाप तो नहीं है ना, अब मैं ही हूं तेरी जिंदगी में, तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तू मर गई तेरी माँ, तेरा बाप नहीं मनमानी करेगी, वही करेगी जो मैं चाहूंगा। क्या समझती है तू, इज्जत का सवाल है मेरा, वही करेगी जो तू चाहेगी। मेरी बात मानेगी तो उस चंड बलियास का नाम दोबारा तेरे मुंह से निकला तेरी जुबान खींच जाऊंगा। शादी के कारण का डिजाइन जबरदस्त है, पूरे गांव में बंटवा दूंगा। ये कहना चंदा की शादी का धूमधाम से करता हूँ। हाँ। धूमधाम तो होगी, चारों तरफ ऐसी आतिशबाजी करूंगा कि साला राजकुमार जल भून के राख हो जाएगा। ये रहा इधर, आवाज उधर से। सब्जी, सब्जी कहाँ गए? सब्जी, सब्जी। क्यों लेकर आया मुझे यहाँ पर? हाँ, बोल। क्यों लेकर आया मुझे यहाँ? क्या बोला? बेटा, क्यों लाया मुझे? यही तो पूछ रहा हूँ मैं। हाँ? पट्टा, पट्टा क्यों निकाल रहा है? हाँ? पट्टा क्यों निकाल रहा है? तेरे हाथों मार खाने का मन कर रहा था मेरे होने वाले चाचा ससुर। ले, मार। बेटा, मैं? हाँ पापा, तू। तू तो उम्र में कितना छोटा। ये तो तेरे मारने का स्टाइल नहीं है। ला, मैं याद दिला। ए पापा। मैं बुजुर्ग हूं। ले, अब तू मार। नहीं। ले पापा। अगर एक कदम और आगे बढ़ाया पापा तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं इधर ही हूं। ए प्यार 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 या मार मार मार, हे प्यार 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 या मार मार मार। दशहरे को चंदा से शादी करने आ रहा हूं, अगर तब तक उसको इतनी भी खरोंच आई ना
तो तंदूर में डाल के सेंक दूंगा तुझे। माँ बाप नहीं है तो हाँ, मैं हूं चंदा के लिए। समझ गया। तेरे कुत्ते आ रहे तुझे सुनते हुए। साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। मरो जा। अरे साहब जी, आप थे कहाँ? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको पिछले 3 घंटे से। कुछ मत पूछना साहब को, आज तक इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। देखो उनकी आंखें कितनी लाल हैं, जैसे क्षत्रिय खून टपक रहा है आंखों से। मुझे तो उनकी आंखें देख के डर लग रहा है। आओ जी, बिहू जी भी कितने परेशान हो गए आपके लिए। राजकुमार हमें धमका रहा। ले पापा, हमने भी आव देखा ना, ताओ खेलिया साले चिकल्लस से। चंदा की शादी होगी तो बीओ जी के साथ होगी। उसका तो हम टेटुआ दबाने वाले थे, इतनी देर में हमारे लोग आ गए। पैक खड़ा हुआ साला, 2 मिनट बाद आते तो कहानी खत्म हो जाती उसकी। भियो जी, हमने तो पहले ही कहा था आपकी कुंडली इतनी भारी है कि जो आदमी आपकी छत्र छाया में है उसका नाखून भी कोई छू नहीं सकता। हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। तो फिर ये क्या है? नाखून भी नहीं छू सकता। पट्टे से मार मार के घोड़े को गधा बना दिया है। और तूने फिर कभी भविष्यवाणी की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ये धुआं कैसा है? तेरी भी खरों चाहिए ना। अब रहने दो भियो जी, इसे मैं संभाल लूंगा। ए प्यार 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 या मार मार मार, ए प्यार 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 या मार मार मार। हाय मेरे राजकुमार, कल तुम मंदिर चल रहा है ना मेरे साथ? अचानक मंदिर क्यों, शादी करनी है क्या? कल पार्वती पूजा है,
अगर शादी से पहले कोई जोड़ा ये पूजा करे तो उन्हें खुशहाल शादीशुदा जिंदगी से कोई नहीं रोक सकता। एक मंगलसूत्र और एक साड़ी जरूर लेकर आना, माँ की अर्चना में चढ़ानी है। डन मेरी लॉलीपॉप, तू मुझे गांव के चौराहे के पास सुबह 10 बजे मिलना, वहाँ से साथ चलें। एक पक्के दिन। ओके डन। चलो, पार्वती पूजा का दिन है, मंदिर जाना है। शादीशुदा जिंदगी से पहले कोई भी जोड़ा इसकी पूजा करे तो उसे खुशहाल जिंदगी से कोई नहीं रोक सकता। ये देखो, लाल साड़ी भी लाया मंगलसूत्र के साथ माँ की अर्चना के लिए। शादी के बाद मैं तुझे हनीमून के लिए पेरिस ले जाऊंगा। वहां हनीमून के कमरे में अपने हाथों से तेरी साड़ी उतारूंगा और तुझे ऐसे मसलूंगा, तुझे ऐसे गले लगाऊंगा, तुझे होटल पे किस करूंगा, कितना मजा आएगा। एक्सक्यूज मी, हेलो मेरे रोमियो, लॉलीपॉप भियो जी के साथ साथ मंदिर जा रही है, वहाँ हम दोनों भगवान के दर्शन करेंगे। भियो जी तुझे डायरेक्ट साक्षात भगवान जी से मिलाएंगे, ये लो भियो जी से बात करो। अच्छा सुन, मैंने कुकिंग सीख ली है, तुझे चिकन पराठा बहुत पसंद है ना, तेरे चौथे पे पूरे गांव वालों को वही खिलाऊंगा। पिछली बार भी बहुत वादे किए थे तूने, किया कुछ भी नहीं, घर इस बार एक और झांसा दिया ना, तो ये लोग दिख रहे पीछे मेरे, काट देंगे तेरे को, मारो सारे को, पकड़ो छोड़ना नहीं, हट तेरी, ये लोग नहीं, वो पीछे गाड़ियों में मेरे और लोग आ रहे हैं, तुम सबको काट देंगे, अरे तू मरवाएगा हम सबको, शिवराज जी की गाड़ियां हैं, शिवराज जी की गाड़ियां, हटिए, अरे हटिए, सब लोग हटिए, हटाएं इनको, आपके आदमियों ने हमें जूता मारा, हमारी सभा को भंग कर, अरे मेरा आदमी नहीं, हटाएं सबको, हटाओ सब, जोड़ लो भाइयों, हमारे बीच में मेरा फहमी हो गई थी, सोले हरामी, ये शिवराज जी के नहीं है, ये किसी, अबे कहां है चंदा? राजकुमार चंदा को लेकर चला गया। करो प्यार वरना मार, प्यार 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 प्यार, मार 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 मार, ए प्यार 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 या मार मार मार, ए प्यार 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 या मार मार मार, करो प्यार वरना मार, ए प्यार 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 या मार मार मार, ए प्यार 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 या मार मार मार, करो प्यार। माँ बाप कहाँ है?
अगर मेरे माँ बाप होते तो मेरा नाम सिर्फ राजकुमार होता, मेरा चंदा के सिवा और कोई नहीं। और तुम्हारे? मेरे पास एक चाचा है, आज वो यहाँ नहीं। इस पूजा में तुम्हें बड़ों का आशीर्वाद मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। बड़े हैं ना यहाँ आशीर्वाद देने के लिए। हमारे लिए ये हमारी संतान की तरह है। मसाला डियर फुटिया, प्यार से देना। तुम थोड़े से लेट हो गए, रोमियो आया था, हमने पूजा भी कर ली। तुम चिंता मत करो भैया, हमने तुम्हारी भतीजी को आशीर्वाद दे दिया है, दोनों बहुत सुखी रहेंगे। मैं रोमियो के साथ आ तो गई, वापस कैसे जाऊंगी? तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे ना? जिंदगी ऐसे घूमने वाली थी, ऐसे कैसे घूम गई? उल्टी। बहुत धूप है, चलो। राजकुमार ने कहा शादी के बाद हनीमून के लिए वो मुझे बैंकॉक ले जाएगा, फिर वो हनीमून रूम में मेरी साड़ी अपने हाथों से उतारेगा, फिर वो मुझे यहाँ मसलेगा, फिर वो मुझे कस के गले लगाएगा, फिर वो मुझे यहाँ किस करेगा। शादी से पहले जो करना कर ले, 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं उस झंडुए के पास, उसके बाद तू मेरी हो जाएगी, गिन गिन के बदले लूंगा। निकल! ए प्यार 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 या मार मार मार, ए प्यार 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 या मार मार मार, करो प्यार। मैंने भगोड़े राजकुमार को अरेस्ट कर लिया है, फौरन आपके पास लेके आता हूं, आप अपने हाथों से उसका एनकाउंटर कीजिए। अब तेरे को पता चलेगा पुलिस में क्या पावर होता है, ना प्राइम मिनिस्टर किसी को मार सकता है ना प्रेसिडेंट, सिर्फ पुलिस को ही ठोकने का लाइसेंस होता है, समझ गए? हेलो। ओके सर। आप पहले बताते तो मैं अरेस्ट ही नहीं करता। I'm sorry, मुझे माफ करता। मुझसे ज्यादा आपको सूट करता है। कमजोर से कमजोर का चल जाता है।
शिवराज और परमार जैसे गीदड़ भी अपने आप को शेर समझते थे। कहते थे मैं यहाँ अपना पैर भी नहीं रख सकता, मैंने यहाँ अपना पंजा रख दिया। वो राजकुमार रजित टाका का अब दोनों को फिनिश करने के लिए यहाँ पर आया, पूरे एरिया पर कब्जा करने के लिए यहाँ पर आया है, वो यहाँ का पूरा अफीम हथियाने के लिए आया है। वेल डन रोमियो, डिलीवरी कब देगा? अफीम मेरे पास ही है, आप जब बोले मैं डिलीवरी दे दूंगा। पूरा माल तो यही है, तो फिर उसने चोरी करने की बात क्यों की? तुझे उलझाने के लिए कसम है, उसे पता लगाना था कि पूरा माल कहां पर है। मैं तुझसे इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं जानता था तू ये काम आसानी से कर लेगा। सर, ट्रक खाली है। तू मेरा सबसे होशियार आदमी है, फिर भी शिवराज से तू धोखा खा गया, जानता है क्यों? लड़की, जब मैं 18 साल का था एक लड़की पर मन आ गया, उसकी सिर्फ एक झलक के लिए कड़ी धूप में 16 किलोमीटर साइकिल पे जाता था। काम एक तरफ, प्यार एक तरफ, काम प्यार, काम प्यार, काम पे तो मन ही नहीं लगता था, तो मैं यहां से सोचना बंद कर दिया, इधर से सोचना चालू किया, मार दिया साली को। देख मैं आज कहां हूं, तू भी मार दे, मेरे जैसा बड़ा बनेगा, है ना? बात अच्छी नहीं लगी? प्रॉब्लम है प्यार, मेरा प्रॉब्लम हार, मैं जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। इश्क ने निकम्मा करके छोड़ दिया, वरना तू भी आदमी था काम का। टाका को अफीम चाहिए थी और मुझे चंदा, मैं जीत गया और तू हार गया।
बड़े लोग कब अपनी दुश्मनी को दोस्ती में बदल दें? जैसा दो कौड़ी का कभी नहीं समझ सकता। शिवराज आपको भी। तुम्हें लड़की मिल गई और मुझे अफीम। शादी कब कर रहे हो? आज ही रात को। चंदा सिर्फ मेरी है। राजकुमार को मारकर मैंने पूरे गांव को बता दिया कि मैं कौन। आज रात तुमको भी बताऊंगा। बिंदु, चंदा को तैयार करके बाहर लाओ।
शादी मेरी, मैं नाचूंगा, तू क्यों नाच रहा है? तू जिंदा कैसे बच गया? अपने मतलब के लिए तुम बड़े लोग एक हो सकते हो, तो हम जैसे लोग भी एक हो सकते हैं। दोस्ती के लिए तो अब गीदड़ यूनियन बनाकर शेर का सामना करेंगे। इस बार तुझे गाड़ूंगा। शिवराज, शिवराज, मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं, तो सोच, सोच। मैं अपने प्यार के लिए क्या क्या करूंगा? दशहरे का मुहूर्त निकलेगा तो तैयारियां कर, तैयारियां कर। जगह भी तेरी, मंडप भी तेरा, मंडप भी तेरा। लेकिन चंदा से तू नहीं, चंदा से तू नहीं। मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। रोक सके तो रोक लेना। पहले जा, पहले जा। असली मर्द की तरह मेरे राजकुमार से जीत, राजकुमार से जीत। फिर आना मेरे पास, फिर आना मेरे पास। तुझसे शादी भी करूंगी, और अपनी साड़ी भी खुद उतारूंगी। ए हरामखोर, ए हरामखोर, तू जानता है तू कहाँ खड़ा और किससे बात कर रहा है? किससे बात? तेरे जी की कुर्ती मारू साले, तुझे नामर्द बना के तेरे सामने स्वागत बनाऊंगा इसके साथ।
यही हालत होगी अगर किसी ने आवाज उठाई, यही हर शो होगा उसका। क्या सोचते हो तुम लोग? अरे गीदड़ों की फौज हो तुम, गीदड़ों की फौज। दर्द हुआ, जॉब राजकुमार, गुड जॉब। जो हुआ वो सब भूल जा, यहां कोई चीज पर्सनल नहीं है, हर चीज बिजनेस है। मैं तो पहले से ही जानता था तू बहुत आगे जाएगा, अब मैं तेरे साथ।